जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के एक बार फिर बिगड़े बोल। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा के हरियाणा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा 60 सीटें ले जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा विवादित बयान दिया है। अजय चौटाला ने कहा कि हुड्डा की अपनी टिकट का पता नहीं मिले या ना मिले, साथ ही प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की है। अजय चौटाला ने कहा कि टिकट के लिए हुड्डा को प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी और वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि हमारा काम तो अपनी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम जन जन तक पहुंचाना है। फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। थोड़े समय पहले कुछ लोग कहते थे 75 पार, रह गए 40 पे गए यमुना पार। कुछ लोग पहले छाती पे हाथ मार मार के कहते थे ये मोदी की गारंटी है 400 पार, वो 400 पार वाले गए 240 से भी नीचे। कल परसों भूपेंद्र हुड्डा का बयान पढ़ रहा था अखबार में कि हम 60 सीटें लेकर के चुनाव जीते, किस हैसियत से वो कहते हैं मेरी समझ से दूर की बात। उनको तो अपनी टिकट का भरोसा भी नहीं, वो टिकट भी उनको पार्टी हाईकमान से मांग करके लानी है। कहीं सोनिया गांधी जी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी जी के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कहीं प्रियंका जी की चुनी उठानी पड़ेगी और कहीं वेणुगोपाल के चप्पल उठाने पड़ेंगे, तब जाकर के कोई टिकट का जुगाड़ होगा। 60 के सपने कहां ले रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।